भारतीय सैन्यावर विश्वासघातकी हल्ला करणाऱ्या चीनला भारतीय सैनिकांनी शौर्याने सामना करत भारत देशाची मान उंचावली आहे. या चकमकीमध्ये शहीद झालेल्या शहीदांना अकोल्यातील आम आदमी पक्षाच्या वतीनं भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली आहे आणि त्या सर्व शहीदांना मानवंदना दिली आहे आणि चीनी उत्पादनांची जाहीर होळी करत आपला निषेध व्यक्त केला आहे. भारतीय सैनिकांच्या युद्ध कौशल्यामुळे 0 पॉईंटवर ऑक्सिजन असताना दुर्गम जागी चीनी सैनिकाला त्यांची जागा दाखवून दिली अशा सर्व सैनिकांचं आम्हाला अभिमान असल्याचं सांगून या घटनेमुळे शहीद झालेल्या 20 सैनिकांना तसेच कमांडो संतोष कुमार सिंह सैनिकांना आम आदमी पक्षाच्या वतीनं भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. याचवेळी चीनी उत्पादन असलेल्या विविध वस्तूंची जाहीर होळी करून चीनबाबत आपला रोष व्यक्त केला आहे. भारत चायना सीमा पर भारत के 20 जवान देश की रक्षा करते करते शहीद हुए. भारत के साथ में चाइना के काफ़ी व्यापारिक संबंध है और भारत ही चाइना की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है. चाइना को सबक सिखाने के लिए हम भारतीयों ने चाइना की सभी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए. आज आम आदमी पार्टी के वती से हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं. हमारे देश के जो लोग शहीद हुए हैं, जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी और चीन से आने वाली वस्तुओं की हमने यहाँ पे होली दहन करी. पूरे भारतवासियों से हम लोगों का निवेदन है कि चीन से आने वाली वस्तुएं न खरीदें और सरकार से भी हम लोग निवेदन करेंगे. कलेक्टर साहब को हम निवेदन देंगे और एक साक्षरता अभियान चलाएंगे जो कि केंद्र सरकार को भेजेंगे कि चाइना से हमारे व्यापारिक संबंध पूरी तरह से खत्म करें जिससे कि चीन को अपने आप सबक मिलेगा. प्रियंका जाधव, स्टार महाराष्ट्र न्यूज़, अकोला.